नमस्कार दोस्तों। आज हम एक लैंडस्केप बना रहे हैं। इसके लिए मैं कार्ट्रिज शीट यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैंने कार्ट्रिज शीट का रिज़ल्ट दिखाने के लिए ही बनाया है। बहुत सारे लोग शीट्स के बारे में पूछते हैं, सर कौन सी शीट अच्छी है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको कार्ट्रिज शीट से ही शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग के लिए कार्ट्रिज शीट बहुत अच्छी है। थोड़ी पतली है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं आप। इस पर भी कलर अच्छे आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर ब्लू कलर लिया था, बहुत सारा पानी यूज़ किया उसमें। फिर उसके नीचे आते हुए मैं ऑरेंज कलर यूज़ किया। तो ग्राउंड के लिए ऑकर कलर यूज़ किया, थोड़ा सा डीप येलो। अभी हम इसे सूखने की वेट कर रहे हैं, तो जल्दी सुखाने के लिए मैं ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ। कभी जहाँ पे स्काई और ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पे मैंने थोड़ा बुशेस दिखाने के लिए डल ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ब्राउन ग्रीन ब्लू मिक्स करके। तो यहाँ पे एक ट्री बना रहा हूँ जो बैकग्राउंड से थोड़ा सा आगे। वाइट पार्ट मैंने छोड़ा है पानी के लिए, तो अपने आप थोड़ा सा वो पानी का इफेक्ट दे जाएगा। मेरा जो फोकस पॉइंट है वो ट्री है, तो मेरा सारा फोकस पेंटिंग में वहीं पे जाएगा। तो ये पहले ही मैंने प्लान किया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साइडों से मैं थोड़ा सा ब्लर रखूँगा पेंटिंग को। ये देखिए, यहाँ से भी थोड़ा ब्लर कर दिया। मैं सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। सैप ग्रीन में थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा पाइंस ग्रे वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। ब्राउन में बर्न्स ना यूज़ करता हूँ अक्सर। ये देखिए ट्री की टहनियाँ भी बन गई हैं।
थोड़ी डार्क टोन्स और ऐड कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा ड्राई स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं कि कार्ट्रिज शीट पे भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी शीट है, सस्ती भी है और इस पे रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो प्रैक्टिस के लिए कार्ट्रिज शीट ज़रूर ट्राई करके देखिए एक बार। ये थोड़ा सा ब्लू दे दिया पानी में। अभी ड्रायर से सुखा लेंगे, थोड़ा पेंटिंग जल्दी बन जाएगी। अभी पेंटिंग सूख गई है पूरी तरह से, तब इसकी और डिटेल्स जैसे फिगर्स वगैरह बनानी है, टहनियों की डार्क टोन्स वगैरह सारी ऐड हो जाएंगी धीरे धीरे। अब देखिए सूखा ट्री भी अभी फोकस में है हमारे। अब डार्क टोन डार्केस्ट टोन यूज कर रहा हूँ और वो भी थिक स्ट्रोक्स देने के लिए। देखिए कितना थिक कलर यूज किया मैंने। ये सारे ड्राई स्ट्रोक्स पेंटिंग को और थोड़ी सी ब्यूटीफुल बना देते हैं। अभी थोड़े से बर्ड्स बना दिए, दो फिगर बना देंगे सेंटर में, थोड़ा सा पेंटिंग और लाइव लगेगी। देखिए फिगर बनाना कितना आसान है, तीन चार स्ट्रोक्स देने हैं फिगर बन जाती है। ये देखिए नीचे पानी में इसकी रिफ्लेक्शन भी दे देंगे, साथ एक और फिगर बना देते हैं। अब सारा ध्यान पहले सेंटर में फिगर्स पे जा रहा है, साथ में ट्रीज पे जा रहा है, फिर पूरा लैंडस्केप पे जा रहा है। मेरे ख्याल में फिनिश हो गई है पेंटिंग। एक सिंपल पेंटिंग 10 मिनट से भी कम टाइम में बन गई और कार्ट्रिज शीट पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।